और आज मैं सुबह सबसे पहले उठा और उठने के बाद मैं सबसे पहले चला गया अपने घर, क्योंकि मुझे फटाफट क्लासेस लेनी थी। तो मैं जल्दी से घर गया और ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद नहाने चला गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फ्रेश हो चुका हूँ और निकल चुका हूँ अपने ट्यूशन सेंटर के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट, बारिश बहुत तेज हो रही थी सुबह से ही, फिर मैंने देखा ये आया है विक्रांत चौहान। बोले सर सर प्लीज़ मेरे को जनवरी का कैलेंडर, फरवरी का कैलेंडर सिस्टम समझाओ ना। तो मैं इसे कैलेंडर सिस्टम समझाया। उसके बाद मैं चल पड़ा, मुझे भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो मैं हमारे यहाँ फेमस अन्ना बैठते हैं, कितनी बारिश आंधी तूफान है ये ज़रूर बैठेंगे। तो मैंने यहाँ पर इडली खाई, मुझे इडली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर इडली खाई। और इडली खाने के बाद मैं चल पड़ा वापस से अपने सेंटर कुछ पेंटिंग काम करने। तो मैंने बच्चों को बैठाया और मैं लैपटॉप में कुछ काम करने लगा, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने जाना था। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं घर चला गया चाय वाय पीने के लिए। तो मैं पहले चाय और ब्रेड बटर खाया, क्योंकि मम्मी ने दो बार फ़ोन कर दिया था। तो मैं फटाफट घर गया और चाय ब्रेड बटर खाया, और उसके बाद मैं पैक सेंटर चला गया वापस। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में फटाफट अपना सामान अनपैक किया, लैपटॉप वगैरह डाला, क्योंकि ऑनलाइन सीए ऑनलाइन में पढ़ाने जाना था मुझे। तो मैंने फटाफट लैपटॉप वगैरह पैक किए, और आज मुझे थोड़ा सा लेट से जाना था वहाँ पर, वहाँ से कॉल आ गया था। तो मैं ऐसे कुछ दिनों से 11 बजे जा रहा हूँ, मगर आज मुझे 12 बजे पहुँचना था क्लासेस। और फिर मैं निकल पड़ा ऑनलाइन के लिए, और उसके बाद मैंने फटाफट देखा कि बारिश थोड़ी सी थमी हुई है, तो मैंने फटाफट टोटो ले लिया और टोटो में बैठा। और आज पूरा बारिश ने बाज़ार पूरा ख़राब कर दिया था, दुकानें वुकानें आधे खुली आधी बंद। फिर मैं फटाफट, आज मैं मेट्रो में नहीं जाके बस में गया, बट बस में मुझे सीट नहीं मिली, क्योंकि ऑफिस टाइम रहता है तो सीट मिलना बहुत मुश्किल रहता है। और आज देख सकते हो आप यहाँ पे मौसम इतना पूरा बादल वाई हर जगह पर। और फिर मैं पहुँचा एक साइड में, आप देख रहे हो ये भाई साहब हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए, और उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी। और फिर मैं पहुँच गया यहाँ से मेट्रो स्टेशन, ये एक साइड मेट्रो स्टेशन है गाइस। और एक साइड मेट्रो स्टेशन में फटाफट मैं गया, और उसके बाद मैंने मेट्रो ले ली। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे मेट्रो में भी सीट नहीं मिली। और उसके बाद मैं पहुंच गया हाजरा, और आज के दिन का सबसे एक अच्छा अनोखा पार्ट, मैंने इनकी मदद की और इन्होंने मुझे दुआ दी। हमें जब तक कोशिश करनी चाहिए किसी की व्यक्ति की मदद हो, हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये आशुतोष कॉलेज है गाइस, और आशुतोष कॉलेज में फॉर्म फिलिंग्स के बाद ये जो डॉक्यूमेंटेशन था उसका इतना बड़ा लाइन था। फिर वो भर कर मैं चला गया हाजरा इंस्टीट्यूट पढ़ाने। आप देख सकते हो ये हाजरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ। और एक छोटा सा क्लास का एक आप दृश्य यहाँ पर देख पा रहे हो, जहाँ पर मैं बच्चों को बिना बोले चुपके से उनका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उन्हें भी नहीं पता, ठीक है। तो ये मैं पहुँच गया हाजरा इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर लगभग 2.25 घंटे की क्लास करने के बाद मैं निकल गया यहाँ से। रास्ते में बारिश तो आ ही रही है, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है। और मुझे यहाँ से जाना था कॉलेज स्ट्रीट, तो मैं फटाफट यहाँ से निकल के कॉलेज स्ट्रीट के लिए मेट्रो लेने चला गया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रास्ता है जो मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहा है, तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गया। और फिर यहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट के लिए मेट्रो मैंने ले ली, और इसमें भी सीट नहीं मिली मुझे, तो कहीं पर भी सीट नहीं मिली। उसके बाद मैं एग्ज़िट किया और देख रहा हूँ भाई साहब इतनी ज़ोर से बारिश। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेट्रो स्टेशन से मैं निकलने का प्रयास करते हुए, और फिर मेट्रो स्टेशन से निकला और जस्ट पहुँचा कॉलेज स्ट्रीट की दुकान में। मुझे A4 साइज़ पेपर लेना था, तो A4 साइज़ पेपर लिया मैंने। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये A4 साइज़ पेपर दुकानदार डालते हुए। और उसके बाद मैं पूरा भीग चुका हूँ बारिश में, मैं पूरा बारिश में भीगा भीगा आया था। और उसके बाद मैंने वापस बस ली कॉलेज स्ट्रीट से हावड़ा मैदान की ओर बस, और उसके बाद मैंने बस से उतर कर टोटो लिया, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और टोटो में बैठा मैं, और टोटो में बैठकर मैंने शुभम को फ़ोन किया कि शुभम तुम आ जाओ, मेरे पास छाता नहीं है। और शुभम ठीक छाता लेकर मेरे पास आ गया, और हम लोग सेंटर की ओर चल पड़े। सबसे पहले सेंटर पहुँच कर मैंने अपना लंच किया, आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था, तो मैंने फटाफट पहले लंच कर लिया और अपने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले सेमेस्टर 4 बैच, ये बैच हमेशा डेडिकेटेड रहता है। फिर उसके बाद मम्मी ने शाम को चाउमीन भिजवाया था,
तो मैं क्लास 11 के बैच को पढ़ाते पढ़ाते ही चाउमीन खाया, बिकॉज मुझे टाइम एकदम नहीं मिलता है, तो मैं जो कुछ खाता पीता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पढ़ाते पढ़ाते ही खा लेता हूँ। फिर मैंने चाउमीन खा के आगे नेक्स्ट बैच को पढ़ाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं नेक्स्ट बैच को पढ़ा रहा हूँ। तो भैया लाइफ में कुछ भी हो, अगर आप गैप ज़्यादा लोगे, ब्रेक ज़्यादा लोगे, तो प्रॉब्लम्स होगा। इसीलिए अब जो मैं जो करता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कर लेता हूँ। फिर ये क्लास 12 का बैच है, इस बैच को मैंने सबसे पहले अकाउंट्स पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं चाय वाय पीने चला गया। तो शाम को ये रवि भैया की चाय दुकान, जहाँ पर मैं चाय का वेट करते हुए उनको बोला भैया फटाफट चाय दीजिए, और ये चाय आई और मैं चाय पिया। उसके बाद वापस सेंटर आया, पेंडिंग्स काम वगैरह किए, तो ये बहुत सारे काम पेंडिंग थे मेरे, तो मैंने वो सारे काम ख़त्म कर दिए। उसके बाद घर गया, थोड़ा सर दर्द हो रहा था, तो मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा सर दबा दो। मम्मी बिना बोले ही समझ जाती है, तो मम्मी को जनरली बोलना नहीं पड़ता। उसके बाद मैं गया घर जाके खाना वाना खाया, और उसके बाद फटाफट वापस से सेंटर आ गया। आप देख सकते हो इतनी रात को लगभग मैं 11:30 बजे निकला हूँ सेंटर के लिए, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पूरे दिन भर से बारिश हो रही है। और उसके बाद मैं पहुंचा सेंटर, जहाँ पे मेरे को अपना 50-day चैलेंज बनाना था। कुछ कारणवश से आज कोई टेक्निकल इशू से मैंने बना तो लिया, मगर वो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज सुबह इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो उसको फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी फैला दो मेरा व्लॉग। थैंक यू।